हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज हम आपको एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी फ्रॉक बनाना बताएंगे। तो हमने सेट बनाया है 0 से 3 मंथ बेबी के आने वाला है। इसमें ऊन बहुत कम लगती है, लाइक 50 ग्राम ऊन में आपके ये पूरा सेट बन जाएगा। बहुत प्यारा है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। किसी को भी आप दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं, किसी भी बच्चे के लिए बना सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक तो करना है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 3.5 mm का क्रोशा हुक लिया है, या फिर आप 6 नंबर का क्रोशा ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब 1, 2, 3 और 4 चार चेन बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बल लेकर और पहली वाली चेन में डालेंगे, फर्स्ट वाली चेन में डालकर देखिए इस तरीके से हम डालेंगे। और पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, देखिए फिर ये 2 निकालेंगे। देखिए बल लेकर अब जो हमने पहला फंदा निकाला था ना, उसमें डालेंगे। जो पहला फंदा निकाला था हमने, फर्स्ट फंदा निकाला था, इसमें डाल के देखिए हम एक फंदा निकालेंगे, फिर ये 2 फंदे निकालेंगे, देखिए फिर ये 2 निकालेंगे। तो इस तरीके की चेन हम बनाएंगे। इसके साथ साथ हमारी डबल क्रोशिया भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो फिर से देखिए, जो हमने पहला फंदा निकाला था उसमें डालना है, और इस तरीके से पहले एक फंदा निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, और फिर ये 2 निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से चेन बना रहे हैं, साथ में हमारे पास डबल क्रोशिया भी कंप्लीट हो रही है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल चेन भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, पहले एक फंदा निकाला तो ये हमारी चेन भी बन रही है साथ में, और फिर ये 2 करके डबल क्रोशिया बन जाएंगी। देखिए फिर ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले। ठीक है, फिर से देखिए, पहले एक फंदा निकालेंगे हम, इसमें डालेंगे, फर्स्ट वाले में पहले एक फंदा निकालेंगे, तो ये चेन बन जाएगी हमारी, देखिए इस तरीके से। फिर 2 करके निकालेंगे हम, 2-2 करके निकालेंगे, देखिए। तो इस तरीके से हम टोटल 40 चेन बनाएंगे। ठीक है, हमने 40 बना लिए। ठीक है, 40 हमने बनाई है, 0 से 3 मंथ बेबी के आराम से आने वाला है। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो आप 5 चेन या 10 चेन, जैसे आपको जितना बड़ा साइज बनाना है उस हिसाब से चेन बढ़ा सकते हैं। अब हमने 3 चेन लेके सेम उसी जगह हमने एक डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद हम 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाई है हमने, एक एक, और तीसरी चेन में हम 2 बनाएंगे, देखिए 1, और वापस इसी जगह बनाएंगे तो ये 2 हो जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें एक बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे, हर तीसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, और हम हर तीसरी चेन में फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 2 में हमने एक एक बनाया, इस तीसरी वाली चेन में हम 2 बनाएंगे, 1, और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक बनाएंगे, इसमें एक बनाएंगे, तो 2 चेन में हमें एक एक बनाना है, और तीसरी वाली चेन में हम 2 बनाएंगे, देखिए इसमें हम 2 बनाएंगे, 1, और वापस इसी जगह बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 रो कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, 2 रो कंप्लीट हो गई। तीसरी रो में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3 चेन लेके इसको घुमा लिया, और फर्स्ट वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसमें एक बनाएंगे, इसके पास वाली चेन में एक बनाएंगे तो 2 हो जाएंगे, देखिए, और ये 3। तो अब हम चौथी चेन में फंदा बढ़ाएंगे, देखिए 3 में हमने एक एक बनाया, ये चौथी वाली चेन में हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। तो इस रो में हमें हर चौथी चेन में 2-2 फंदे बनाने हैं। हर चौथी चेन में हम फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 चेन में हमें एक एक बनाना है, चौथी वाली चेन में हम 2 बनाएंगे। तो ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए अब चौथी वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। ठीक है,
तो इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है। तीन में हमें एक एक बनाना है, चौथी वाली चेन में दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो तीन रो हमने कंप्लीट कर ली है, एक दो तीन। अब हमारी चौथी रो आई है, इसमें हम पाँचवीं चेन में फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने तीन चेन लेनी है, एक दो तीन, इसको घुमाएंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के दो डबल क्रोशिया हो जाएंगी, देखिए एक और ये दो। और इसके बाद हम एक एक हो गया, दो तीन चार, चार में हमने एक एक बना लिया, एक दो तीन चार, पांचवी चेन में हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस रो में हमें हर पांचवी चेन में फंदा बढ़ाना है। तीन सॉरी चार में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांचवी चेन में दो बनाएंगे, देखिए। फिर हम चार में एक एक बनाएंगे, एक चार में हमने एक एक बना लिया, अब पांचवी चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है। तो इस तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये चार के बाद हमने फंदा बढ़ाया है, अब देखिए यहाँ पर हमारी चार रो कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन लेके इसको घुमाएंगे और ये फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, देखिए एक, चार चेन ले ली हमने, ठीक है, और ये फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे। यहाँ एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए पहले एक फंदा निकाला, फिर दो, ठीक है, तीन बार में फंदे निकाल दिए। फिर देखिए एक फंदा निकालेंगे, फिर दो, फिर देखिए एक फंदा, दो और दो, अभी हमारे पास ये पाँच फंदे बन गए हैं, ठीक है। पाँच हमने ट्रिपल क्रोशिया बना ली, अब छठी चेन में हम दो बनाएंगे, एक और वापस इसी जगह डालेंगे दो। तो अब हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं, ठीक है, तीन बार में फंदे निकाल रहे हैं। देखिए अब फिर से एक दो और ये तीन चार पाँच, पाँच के बाद फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, छठी चेन में हम दो बनाएंगे, एक और एक बार और बनाएंगे सेम जगह दो, ठीक है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, पांच चेन में हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और छठी चेन में तीन चेन में दो बनानी है। तो टोटल पांच रो हमारी बन गई हैं, आप लोग देख सकते हैं पांच रो हमने बना ली हैं, ठीक है। अब देखिए हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो हमने बना ली। अब मुड्ढे ज्वाइन करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको हम ज्वाइन करेंगे, तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के चेन को काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई, इसमें डालेंगे तो दो हो जाएंगी, देखिए फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी, फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो चार डबल क्रोशिया, पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और ये लास्ट तेरह, तेरह डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं, ठीक है। ये तेरह डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए तेरह डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम बाईस छोड़ेंगे, बाईस डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः, देखिए हमने 22 चेन छोड़नी है, 22 चेन स्किप करनी है और 23वीं चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक, देखिए इस तरीके से मुड्ढे ज्वाइन हो जाएंगे, इस तरीके से हमने 22 यहाँ पर इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया बना लिया यहाँ पर। तो अभी जो मुड्ढे पर फंदे हैं वो हमारे पास 22 हैं, ठीक है, 22 चेन हैं, 22 चेन हमने स्किप की हैं। अब हमारे पास एक डबल क्रोशिया बैक साइड में हो गई है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके पास वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे दो हो जाएंगी, देखिए फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगी,
फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे चार हो जाएंगी, देखिए पाँच छः सात। ये बैक साइड में हमने 26 डबल क्रोशिया बनाई हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक 26 डबल क्रोशिया हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 22 चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और 22। ये देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो जाएंगी, टोटल 13 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। तो ये 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग में तीन चेन ली थी इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आगे के साइड में 26 डबल क्रोशिया हैं, 26 डबल क्रोशिया आगे हैं और 26 ये पीछे हैं, ठीक है। ये 26 हमारे पास पीछे हैं और बाजू पर हमने 22 चेन छोड़ी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना हो गया, दोनों साइड में हमारे पास 22 चेन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना हमारा जब बन जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे सबसे पहले। इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। के बाद हम तीन डबल क्रोशिया सादा बनाएंगे, देखिए एक और ये देखिए दो और ये तीन, तीन के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तीन चेन में हमने एक एक बनाना है, चौथी चेन में दो बनाना है, एक और वापस इसी जगह दो, ठीक है। फिर तीन चेन में हम एक एक बनाएंगे, चौथी वाली चेन में दो बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बना लिया दो, ठीक है। तो इसी तरीके से हम तीन के बाद फंदा बढ़ाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास 64 डबल क्रोशिया हैं, 64 डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो देखिए एक दो तीन, तीन चेन लेकर वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन दो चेन, दो चेन लेके वापस इसी जगह एक और ये दो, दो डबल क्रोशिया बना ली। तो एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दो चेन बनाएंगे हम, एक और दो, दो चेन बना के एक दो, दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए दो डबल क्रोशिया, लास्ट तीन डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें एक दो, दो चेन लेके दो चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में पहले दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। फिर से दो चेन और यहाँ पर एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो बनानी है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा, दो दो चेन छोड़नी है और दो दो चेन लेनी है, ठीक है। तो हमने पूरी रो बना ली है। अब देखिए यहाँ पर बीच में लेकर आएंगे इसको, फिर से तीन चेन बनाएंगे हम, काउंट किया तो एक डबल क्रोशिया हो गई और ये दो, दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन, एक और दो, वापस इसी जगह दो डबल क्रोशिया, एक और दो, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, दो चेन एक दो, और यहाँ पर जो तीन डबल क्रोशिया बनाई हैं इसमें तीन बनाएंगे हम, ठीक है। फिर से दो चेन, बीच में डालेंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन और ये दो डबल क्रोशिया।
तो इसी तरीके से इस रो को बनाएंगे और सेम ऐसे ही हम एक रो और बनाएंगे। टोटल तीन रो के बाद चौथी रो में हम आपको दिखाएंगे क्या करना है। तो हमने ये तीन रो कंप्लीट कर ली हैं, एक दो तीन। अब हमारी ये चौथी रो है, चौथी रो में देखिए हम क्या करेंगे, हमने ये वाला डिज़ाइन बना लिया है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ये डिज़ाइन बनाने के बाद दो चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया बीच वाले में हम दो बनाएंगे इसमें। ये देखिए दो डबल क्रोशिया और लास्ट वाले में एक बनाएंगे, तो टोटल चार डबल क्रोशिया हो जाएंगी, चार। ये देखिए एक दो तीन चार, फिर से दो चेन। इस वाली डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है, फिर से दो चेन और यहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच वाले में हमें दो बनानी है और स्टार्टिंग वाले में और लास्ट वाले में एक एक बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी रो बनाएंगे। पूरी रो बनाने के बाद अगली रो में हमने वाला डिज़ाइन बना लिया है। अब देखिए फिर से हमने दो चेन ले ली, अब जो हमारे पास चार डबल क्रोशिया हैं वहाँ पर पांच बनाएंगे हम। देखिए फर्स्ट वाले में एक बनाएंगे, सेकंड वाले में दो बनाएंगे, एक, और वापस इसी जगह बनाएंगे दो। तो टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास और इन दोनों में एक एक बनाएंगे। पाँच हो जाएंगी, ठीक है, फिर से दो चेन। इस वाली डिज़ाइन को बनाएंगे, तो डिज़ाइन की हमारी पांचवी रो चल रही है, तो हमने इस तरीके से बनाना है। इसके अगली रो में हमारे पास छः डबल क्रोशिया हो जाएंगी, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से फंदा बढ़ाना है, इसकी अगली रो में हम छः डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हमने पांच डबल क्रोशिया बनाई हैं, अब हमारे पास ये छः डबल क्रोशिया हो जाएंगी। यहाँ पर दो चेन लेकर इसमें एक बनाएंगे, यहाँ बना लिया, दो बना ली, अब तीसरी वाली चेन में दो बनाएंगे हम इसमें। देखिए इस तरीके से चार हो गई हमारे पास, इसमें बनाएंगे पांच हो जाएंगी। छः, ठीक है, तो इस तरीके से इस रो को बनाएंगे और इसकी अगली रो सेम इसी तरीके से बनाएंगे। अगली रो में हमारे पास छः डबल क्रोशिया रहेंगी, ठीक है, वहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो हम बनाने के बाद दिखाते हैं। पूरी रो को ऐसे ही बनाएंगे, इसके अगली रो में हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए तो टोटल हमने डिज़ाइन की सात रो बना ली हैं। ये देखिए डिज़ाइन की हमारी सात रो बनी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तीन रो में हमने तीन तीन डबल क्रोशिया बनाई थी, चौथी रो में हमारे पास चार डबल क्रोशिया हो गई, पाँच हो गई, फिर इसमें छः और लास्ट वाले में भी हमने छः डबल क्रोशिया बनाई है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः है और इसमें भी छः है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। इतना बनाने के बाद अब हम पिंक कलर की उनको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पिंक कलर से, जितनी भी चेन है हर चेन में।
देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसमें दो चेन जो हमने ली हैं इसमें हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। फिर यहाँ पर एक बनाएंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे, जो आपको स्पेस दिख रहा है इसमें हम दो बनाएंगे, एक और ये दो। ठीक है, तो इस रो को बनाने के बाद आगे हम आपको बताएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो पूरी रो हमने यहाँ पर बना लेनी है। बनाने के बाद हमने ऊन को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चेन लेकर और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, सेम इसी जगह बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम दो चेन छोड़ेंगे, दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन में। देखिए एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन। तीन डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेकर दो चेन लेकर वापस इसी जगह दो तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये लास्ट तीन। तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी। अब देखिए चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दो चेन एक दो वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये लास्ट तीन। फिर से दो चेन छोड़ के तीसरी वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन छोड़ के तीसरी वाले में पहले तीन डबल क्रोशिया, दो चेन लेके वापस इसी जगह तीन डबल क्रोशिया, एक दो और ये तीन। तो इसी तरीके से इस रो को बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किनार पूरी कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बना ली है किनार। अब हम बाजू पर किनार बनाएंगे। तो बाजू पर किनार बनाने के लिए देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेके सेम इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन छोड़ के सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इसको छोड़ेंगे और सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए एक चेन लेके वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन वापस इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन छोड़ के फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। एक चेन छोड़नी है सेकंड वाले में, पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेके और वापस उसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस रो को बनाएंगे। एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाले में डालकर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर से देखिए एक चेन छोड़ेंगे इसमें डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चेन छोड़ेंगे इसमें बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम दोनों बाजू कंप्लीट करेंगे और गले पर भी ऐसे ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों बाजू कंप्लीट कर ली हैं, सेम तरीके से गले पर बनाया है। गले पर देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा गला कंप्लीट करके नीचे तक लेकर आए, फिर ऊपर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक बन गई है छोटी सी। अब हम फूल बना के लगाएंगे। तो ये फूल का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके देखें या फिर ऑल फैशन टिप्स पर जाके भी देख सकते हैं। फूल हम इसमें लगा देंगे या फिर आपको कोई और फूल आते हैं तो वो भी बना के लगा सकते हैं, इस टाइप के फूल लगा सकते हैं। हमने अपने चैनल पर बनाना बताया है आपको, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फूल और पेंट
की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके देखें, या फिर कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है, जो पहला कमेंट है उसमें भी हमने दिया है, वहाँ से जाके देखें तो आपका पूरा सेट बन जाएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। बाय।